अस्सलाम वालेकुम। देखिए, अभी तक हमने बहुत से टॉपिक्स पढ़े देखे, लेकिन सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है एक जो चीज़ है कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के मुतालिक पढ़ा, कीवर्ड्स के मुतालिक पढ़ा, इमेजेस के मुतालिक पढ़ा। लेकिन हमने एक चीज़ डिस्कस करनी है, वो चीज़ है कि अभी आपकी आर्टिकल की या कंटेंट की लेंथ कितनी होनी चाहिए और आप ये कैसे डिसाइड करेंगे कि उस आर्टिकल की जो लेंथ है वो कितनी है या उसकी कंटेंट की लेंथ कितनी है। वो ज़्यादा बड़ी तो नहीं है, ज़्यादा छोटी तो नहीं है। तो लेंथ बहुत मैटर करती है आपके आर्टिकल की और कंटेंट की। तो आप कैसे डिसाइड करेंगे कि भाई कितनी लेंथ होनी चाहिए? तो सबसे पहले जी, हाउ टू डिसाइड द लेंथ। सबसे पहली बात, इंपॉर्टेंट पॉइंट तो आप ये नोट कर लें कि आर्टिकल और कंटेंट जो है वो शुड बी टू द पॉइंट हो। ठीक है, एंकियाँ पे एंकियाँ ना मारी हुई हों, उसके अंदर जो टू द पॉइंट आप बात करें, जिस टाइटल पे आपने लिखा है उसी टाइटल पे आप फोकस करें और उसी के मुताबिक आपने लिखना है। ये नहीं कि आप जो है कि कहते हैं दूसरे टॉपिक को बीच में छेड़ दें, तो ये आपने बड़ा ध्यान रखना है। टू द पॉइंट हो, शॉर्टर हो, और लिमिटेड आर्टिकल जो हैं वो ऑलवेज अफेक्ट करते हैं रीडर को, एक अच्छा पॉजिटिव इम्प्रेशन डालते हैं। जो मैं सजेस्ट करता हूँ वो ये सजेस्ट करता हूँ कि भी 500 to 2500 words जो है एक आर्टिकल के लिए बहुत हैं, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ना 500 से कम होने चाहिए, ना 2500 से ज़्यादा होने चाहिए। कंटेंट राइटिंग जब आप कोई मार्केटिंग के लिए कर रहे हैं तो आप किसी कंलाइंट की गाइडलाइंस के मुताबिक आप अप्लाई करें। उसके बाद जो लेंथ ऑफ आर्टिकल है वो आपके टॉपिक से को जो है इस बात पे हो कि भी आपके तमाम जो टॉपिक हैं, जैसे कि पॉइंट्स हैं, इंट्रोडक्शन है, बैकग्राउंड है, पैराग्राफ है, कंक्लूजन है, वो कवर होने चाहिए इस लेंथ में। ये नहीं हो कि भी आप लेंथ बड़ी हो रही है तो जो है कि कहते कंक्लूजन मिस कर दें, नहीं, आपने अपनी लेंथ जस्ट इसी तरह करनी है कि उसमें इंट्रोडक्शन भी आए, बैकग्राउंड भी आए, पैराग्राफ भी आए, कंक्लूजन भी आए। ठीक है, आप अपने आर्टिकल को कंटेंट को पढ़ें, अगर ये जो है बोर कर रहा है देन इट विल आल्सो बोर द रीडर। जब आप रीड कर रहे होंगे तो आपको पता चलेगा कि आपने कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स डाल दिए जो इनकी जरूरत नहीं थी, तो आप उनको रिमूव कर देंगे। और इसमें आपको ये भी पता चल जाएगा कि कितने टाइम में आप अपना आर्टिकल रीड कर पा रहे हैं। कोशिश करें कि आपके हर पैराग्राफ में जो है कीवर्ड लाजमी होने चाहिए। ये क्या करेगा, ये हेल्प करेगा आपको, डाटा जो आप दे रहे होंगे अपने कंटेंट में वो आपको टाइटल से जोड़े रखेगा। ठीक है, यू कैन मेक द पॉइंट्स, कोई भी एक्स्ट्रा शीट लें आप उसमें पॉइंट्स बनाने विद द सब हेडिंग, दैट विल हेल्प यू टू फाइंड आउट कि कौन सा पॉइंट जो है एक्स्ट्रा है और कौन सा पॉइंट मिसिंग कर रहा है। इस तरह आपको डिटरमाइन भी करना पड़ेगा, आपको पता भी चल जाएगा कि आपके आर्टिकल की लेंथ कितनी है। आप डिसाइड करेंगे व्हाट यू हैव टू राइट एंड व्हाट यू हैव टू नॉट। ओके, तो ये था आज का लेक्चर के भी हाउ टू डिसाइड द लेंथ। लेंथ बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करती है। थैंक यू।